लॉकडाउन में शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे सोनू सूद की हर तरफ तारीफ हो रही है। उनकी नेक पहल को सेलेब्स, राजनेता और जनता का समर्थन मिला है। लेकिन शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने जिस तरह सोनू सूद की आलोचना की, उस पर काफी बवाल हो गया। जी हाँ, संजय राउत ने सोनू सूद के प्रवासियों की मदद करने को राजनीति से प्रेरित बताया था। अब संजय राउत के इस बयान पर सोनू सूद का रिएक्शन सामने आया है। जी हाँ, सोनू सूद ने खास बातचीत में कहा, मैं किसी के खातिर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस प्रवासियों के लिए कुछ करना चाहता था। संजय राउत अच्छे इंसान हैं और मैं उनकी काफी इज्जत करता हूँ। उद्धव और आदित्य ठाकरे के साथ मीटिंग अच्छी रही थी। मेरा राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है, मैं बतौर एक्टर अपने काम को एंजॉय कर रहा हूँ। अभी मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। मालूम हो कि संजय राउत ने सोनू सूद पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो बीजेपी के कहने पर मजदूरों को घर भेजने में जुटे हैं। ये उनका पॉलिटिकल मूव है, वे बीजेपी के इशारे पर ये सब कर रहे हैं। संजय राउत ने अचानक से सोनू के महात्मा बनने पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ ही दिनों में सोनू सूद पीएम से मिलेंगे और बीजेपी के लिए यूपी बिहार के प्रचार करेंगे। तो वहीं सामना में सोनू सूद को भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बताया गया। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।